हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी। तो इसका एसओपी 1 है मिस्टर रविंद्र कुमार, स्टार्टेड बिजनेस बाय द नेम एमएस बिटवाइज ट्रेडिंग कंपनी इन द ईयर 2019। तो आपको क्या करना है, टैली प्राइम ओपन करना है। यहाँ पर स्टार्ट बार में आपको टैली प्राइम लिखना है, तो ये टैली प्राइम का स्क्रीन है, ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, कंपनी का नेम है एमएस बिटवाइज ट्रेडिंग कंपनी। तो ये कंपनी आपको टैली में क्रिएट करनी है। इसका एड्रेस दिया हुआ है, स्टेट महाराष्ट्र दिया है, वेबसाइट एंड ईमेल एड्रेस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो जितना आपके पास इंफॉर्मेशन है वो लेके आप कंपनी क्रिएट कर दीजिए। तो टैली प्राइम का ये जो स्टार्ट स्क्रीन है वो आ जाएगा, उसमें कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ये क्रिएट का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में चेंज कंपनी इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्रिएट कंपनी में आपको ये जो कंपनी का नाम है वो लिखना है। मैं यहाँ पर कंपनी 5 दे देती हूँ। फिर इसके बाद आपको एड्रेस, यहाँ से एड्रेस लेना है और वहां पर टाइप कर देना है। तो ये देखिए, मैं एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दिया। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट होने के बाद आपको कंपनी का वेबसाइट, तो मैं यहाँ से एंटर एंटर करके जाती हूँ। स्टेट में मैं यहाँ पर महाराष्ट्र सिलेक्ट कर देती हूँ, हो गया। उसके बाद मैं एंटर एंटर करके यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस डाल देती हूँ। यहाँ पर मेलिंग एड्रेस भी दिया हुआ है, info@bitwise.com। तो या तो ये आप टाइप कर लीजिए या तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ये देखिए हो गया। अब मैं एंटर एंटर प्रेस करके ये सारा इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर देती हूँ। तो ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया, यस। उसके बाद सिर्फ आपको एंटर एंटर करते हुए जाना है। यहाँ पर भी सब एंटर एंटर करते हुए आपको ये सारा इंफॉर्मेशन सिर्फ एक्सेप्ट करते जाना है, यस। ये स्क्रीन पे भी एंटर एंटर हो गया, कंपनी एक्सेप्ट हो गई, ये कंपनी 5 क्रिएट हो गई। तो अभी मुझे इस पे, ये देखिए मेरी कंपनी 5 सेलेक्टेड भी है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब मुझे लेजर क्रिएट करना है, तो मैं लेजर पे एंटर करती हूँ। अब मुझे एक एक करके जितने मेरे क्वेश्चन में एंट्रीज करनी है, ये देखिए ये मेरी एंट्रीज दी हुई है जो मुझे करनी है। तो मैं पहले लेजर क्रिएट करूंगी और उसके बाद मैं ये एंट्रीज करूंगी। तो पहला लेजर है वो मेरा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, ओके। तो ये बाय डिफॉल्ट कैपिटल अकाउंट में ही है, तो मैं सीधा इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देती हूँ। फिर सेकंड एंट्री है मेरी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ओके। तो इसको मैं सेलेक्ट करके बैंक अकाउंट्स ये सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद सिर्फ मुझे एंटर एंटर करके सब इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करते जाना है। ये देखिए मैंने सारा इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट, तो इसे मैं क्रिएट कर देती हूँ। इसके लिए मुझे लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आपको एंटर एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट है परचेज, परचेज अकाउंट, ओके। तो इसके लिए आपको लेना है परचेज अकाउंट, तो यहाँ से परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है। ये देखिए परचेज अकाउंट आ गया, इसको एंटर एंटर करके ये सब आपको सेलेक्ट करते हुए जाना है। फिर नेक्स्ट शारदा स्टील वर्क्स अकाउंट, ओके। अब ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर, तो इसमें आपको सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट ये सेलेक्ट करना है और फिर आपको यस यस एंटर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट आ गया सेल्स
अकाउंट, तो ये सेल्स अकाउंट मैंने ले लिया, इसमें मुझे सेलेक्ट करना है सेल्स अकाउंट। ये देखिए मैंने सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, अभी एंटर, एंटर करते हुए ये सब मुझे एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट आया एम सी एच आई एन ए आर वाई मशीनरी अकाउंट, तो इसको मैं मशीनरी अकाउंट कर दूंगी। ये देखिए मैंने ये लिख दिया ए स्लैश सी, अब ये मेरा हो गया फिक्स्ड एसेट, तो मैं इसे फिक्स्ड एसेट सेलेक्ट करके ओके कर देती हूँ। तो ये मेरा सेलेक्ट हो गया, अब सिर्फ एंटर एंटर प्रेस करते हुए आपको ये सब एक्सेप्ट करना है। फिर आ गया इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, तो ये आ गया हमारा इनडायरेक्ट इनकम, तो इनकम इनडायरेक्ट इनकम्स, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर एंटर एंटर प्रेस करके ये सब आपको कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर देना। तो अब हमारे सारे लेजर क्रिएट हो गए, तो अब यहाँ से मैं क्विट करती हूँ। अब आपको लेजर डिस्प्ले करना है तो आप लेजर को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए ये हमारे सारे लेजर डिस्प्ले हो गए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमको वाउचर एंट्रीज कैसे करनी है। थैंक यू।